ओमिक्रॉन, आज के टाइम पे आपको ये वर्ड सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा होगा और यही है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। अभी तक आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे वेरिएंट्स तो देख लिए, लेकिन अब मार्केट में नया आ चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। आज पूरी दुनिया में इसी वेरिएंट को लेकर चिंता का माहौल है और होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये बहुत ही तेजी से जो फैलता है हमारे देश में, हर एक छोटे से बच्चे को लेकर अपने स्कूल के प्रति, चाहे एक व्यापारी अपने धंधे के प्रति, इवन पॉलिटिशियंस देश के प्रति, सबको चिंता है कि क्या थर्ड वेव आएगी, लॉकडाउन फिर से होगा या नहीं होगा, और ये सारी चिंता का कारण है ओमिक्रॉन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर ये ओमिक्रॉन है क्या। ओमिक्रॉन का पहला वेरिएंट 24 नवंबर को अफ्रीका के एक देश में पाया गया था और धीरे धीरे आज के टाइम में ये 38 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये फैल चुके हैं और 20 से भी ज्यादा केसेस हैं और ये अलग अलग स्टेट्स में भी फैल चुका है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ये बहुत सारे स्टेट्स में फैल चुका है, इंडिया में भी। पूरी दुनिया आज इस वेरियंट को लेकर आखिर चिंता में क्यों है, क्योंकि 5 दिसंबर को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित कर दिया है, जैसे कि उसने डेल्टा वेरिएंट को भी किया था और उसी के कारण आगे चल के इंडिया में सेकेंड वेव आई थी। तो कई एक्सपर्टीज का ये भी कहना है कि इसी वेरिएंट को लेकर अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो इंडिया में भी थर्ड वेव आ सकती है। अब आखिर इंडिया में ये वेरिएंट कैसे आगे बढ़ता गया, सबसे पहले ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था कर्नाटक में, उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में भी इसके केसेस मिलते गए। आज के टाइम में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा केस अगर किसी स्टेट में है वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो वो है राजस्थान में, जहां पे अभी करंट में 9 केसेस एक्टिव है वहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट के। अब धीरे धीरे ये वेरिएंट अलग अलग उसमें बढ़ते जा रहा है। अब ये जो वेरिएंट है आखिर इंडिया में इसके कैसे केसेस बढ़ते गए, सबसे पहला केस इसका मिला था कर्नाटका में जो कि एक केस था, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में इसके केसेस मिलते गए, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा केसेस हैं राजस्थान में जो कि है 9 केसेस, और ये डाटा तब का है जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं। और ठीक है, और ये तो रही बात पहले की, लेकिन आखिर इंडिया में सबको एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब एक ही दिन में इंडिया में 17 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस मिल गए। अब आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं, आखिर उसके साइंटिफिक नेचर के बारे में, आखिर ये कैसे इतना खतरनाक है और इसकी चर्चा हम आखिर क्यों कर रहे हैं। आपने कोरोना वायरस का शेप तो देखा ही होगा जो कि एक स्फीयर के फॉर्म पे था और उसमें अलग अलग उसके स्पाइक प्रोटीन्स लगे हुए थे, तो आखिर ये क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में ये ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसके जो संक्रमण की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और वो क्यों है, क्योंकि ये वायरस अपने इसकी ये जो वायरस है इसकी म्यूटेशंस बहुत ज्यादा है जो कि 30 से भी ज्यादा है, जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स है वो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ म्यूटेशन शो कर रहे हैं। अब लेकिन इसके लिए एक अच्छी संकेत ये है कि जितने ज्यादा ही नंबर ऑफ म्यूटेशंस जो भी वायरस शो करता है उससे खतरा और कम होते जाता है, यानी ये जितने ज्यादा म्यूटेशन शो कर रहा है उतना ही कम खतरा, यानी डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है, लेकिन अभी भी ये अगर ज्यादा संक्रमण होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हानिकारक हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना है, लेकिन रुको अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं। हमने ज्ञानोलॉजी के Q&A के 2 पार्ट किए हैं और जिसको अच्छे खासे व्यूज मिले और व्यूअर्स को वो पसंद भी आ रहे हैं और व्यूअर्स के काफी सारे सवाल भी आ चुके हैं अगले पार्ट को बनाने के लिए, तो हम बहुत ही जल्द ज्ञानोलॉजी का Q&A का अगला सेशन लाने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल अभी भी बचे हैं तो आप किसी भी वीडियो में जाके या अभी रिसेंट वाले वीडियो में ही जाके आप अपने सवाल को कमेंट कीजिए और #Q&A from ज्ञानोलॉजी डालिए और हम उन सवालों के जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे हमारे अगले Q&A पार्ट में। अब आज के इस वीडियो में बस इतना है, लेकिन अगर आपको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअली में आपको ये वीडियो लगी कैसी। और दोस्तों ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है यार, 300 सब्सक्राइबर प्लीज जल्दी से करवा दो यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए जोश के साथ।